बड़ी खबर विदिशा से आपको बता रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। मरीज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विदिशा में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने की खबर है। दिल्ली की जमात में ये मरीज शामिल था। कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने पुष्टि कर दी है। मरीज मिलने के बाद कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है विदिशा में। तो मध्य प्रदेश में अब विदिशा में भी एक कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया है। कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने पुष्टि कर दी है। मरीज को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसे क्वारंटाइन में रखा गया है। इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात है। मनोज पांडे जुड़ गए हैं। मनोज, क्या बताया जा रहा है इसके बारे में, और साथ ही अभी क्या हालात है विदिशा में? बिल्कुल खबर सच है। कलेक्टर से मेरी चर्चा हो गई है। उन्होंने साफ कहा है कि सुरंग में 10 मरकज के जमात आए थे, उसमें 5 महिला है और 5 पुरुष है, जिसको क्वारंटाइन किया गया था एक स्कूल में। उसमें से एक मरीज पॉजिटिव पाया गया है। उसके टेस्ट रिपोर्ट आ गई है, पॉजिटिव है। 9 को भी अलग अलग कर दिया गया है। और जैसे ही पॉजिटिव की खबर आई विदिशा से, ये प्रथम मरीज है पॉजिटिव केस का, जैसे ही मरीज की जानकारी आई, उनको जो 9 शेष थे उनको अलग अलग कर दिया है कलेक्टर ने, और पूरे सिरौंज में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सिरौंज की सारी सीमाएं विदिशा जिले से सील कर दी गई है। किसी प्रकार का आवागमन, किसी प्रकार की वहां पहुंचने की स्थितियां सारी बंद कर दी गई है, जो निश्चित प्रशासन को चिंता का विषय है। और चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी मामला है, कोरोना को लेकर पूरा प्रदेश चिंतित है, उसको लेकर विदिशा भी एक बड़ा चिंता का विषय बन गया कि सिरौंज में एक जमाती जो व्यक्ति है पॉजिटिव मरीज पाया गया है। और फिलहाल जिला प्रशासन पूरी सजगता के साथ उस मरीज को हॉस्पिटल ले आए हैं और उसका इलाज जारी है। जी, तब जी शुक्रिया जानकारी के लिए।